इतने साल आपने काम किया होगा, सो टुडे यू मस्ट बी नोइंग सम स्ट्रैटेजी कि यार मुझे लगता है कोई इंट्यूशन होगा कि ये गाना चलेगा। मे बी दैट्स डेटा या पुराना कुछ देखा या कोई टाइप के, जैसे अभी रिसेंटली ना मैं देख रहा था वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई डोंट वांट नेम, कि ही सैंग अ सॉन्ग, ओके, ही बिल्ट अ सॉन्ग, एंड सॉन्ग में ना उसने एक पार्ट है जहाँ पे वो जानबूझ के ऐसा रखा क्योंकि उसको पता है कि ये वाला पार्ट है जो इजीली कैच ऑन हो जाता है लोगों से और लोग गाते हैं, तो अगर लोग साथ में गाते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए उसका उसने ड्रॉप वैसा रखा। ये तो ऐसी स्ट्रैटेजी होती है ओके, गिव मी सोच ना सके जैसे मान लो, तो जानबूझ के ऐसा रखा कि लोग गाएंगे तो अच्छा लगेगा, उसकी स्केल बहुत बेसिक है, ज्यादा लोगों के साथ आवाज अच्छी आएगी, कोल्ड प्ले बहुत करता है ये, लाइक दे मेक श्योर, कोल्ड प्ले मेक श्योर कि मैं गाने ऐसे ही लिखूं जिसका कोरस ऐसा हो कि 50,000 लोग गा रहे हो ना तो अच्छा सुनाई दे। That's the strategy every time they write a song. तो ऐसे क्या क्या strategies होती है जो आप करते हो, क्योंकि भाई मतलब back to back ऐसे गाने दिए हैं आपने which is wild. Okay, मतलब इंडिया खेला है, इंडिया ने ग्लोबली, एंड वन ऑफ बाय द वे इट्स वेरी अनलाइकली क्योंकि मैं ज़्यादा पार्टी नंबर सुनता नहीं, आई एम वेरी स्लो सोच टाइप का पर्सन, राइट, बट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ योर्स इज बिजली, एंड द रीजन इज मेरे को पूरी स्टेप आती है, तो पार्टी में जब भी वो गाना आता है मैं मेरे चार दोस्त हम लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, भाई अपना गाना आ गया सब साथ में स्टेप करेंगे। सो समटाइम्स इट्स ऑल्सो कि साइंस की यार हुक स्टेप वायरल हो गया, तो मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है गाना, ऑब्वियसली तो गाना द सॉन्ग इज गुड दिमाग में चढ़ जाता है, बट ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मैं हुक स्टेप कर सकता हूँ, मल्टीपल रीजंस वाई पीपल कैन लाइक द सॉन्ग। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है किसी गाने को वायरल बनाने की या किसी गाने को बड़ा बनाने की? दैट साइंस इट इज़ यूज बाय जानी पाजी, दैट साइंस ही इज़ वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट अबाउट इट, उनको पता है कि ही वो हर चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि रील्स पे क्या चल सकता है, एंड ऑल्सो सो स्मार्ट एंड सो टैलेंटेड ऑल्सो कि रील्स पे क्या चल सकता है और उसके साथ उसमें सोल भी डालनी है, डेप्थ भी लिखनी है, सो ही इज द मास्टर इन दैट। हाउ डज योर म्यूजिक इकोनॉमिक्स वर्क ये बताओ, मतलब कि जैसे अगर एक गाना है, अब आप हो, अब ये लोग सबके साथ काम है, तो इन सबको आप फिक्स फी देते हो कि गाने के जितने सक्सेस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, जान मतलब चार पांच लोगों के साथ काम, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सबका एक फिक्स फी होता है गाने के लिए कि योला कि भाई अपन लोग तो सब साथ में करते हैं, गाना जितना चलेगा उसमें सब इक्वल इतना 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 परसेंट शेयर करेंगे, व्हाट्स द हाउ डज अ म्यूजिक इकोनॉमिक वर्क? फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट, मेरे को बिजनेस नहीं आता है करना। तो कैसे डिसाइड करते हो, करते तो हो गए? मैं पैसे ना देता हूँ ना लेता हूँ मतलब जैसे आई हैव वर्क्ड ऑन बिजली, मैं ना उनको कोई पैसा दिया उस गाने का, किसी को भी, ओके, ना उन्होंने मेरे को कोई पैसा दिया, जस्ट यारी दोस्ती में, मैं यारी दोस्ती में बिलीव करता हूँ, मैंने उनकी उनका ही गाना, उनका देसी मेलोडीज इज देयर चैनल, इट्स ऑल देयर्स, जितना कमाया उस गाने से उन्होंने कमाया, मैंने नहीं कमाया, मैंने कुछ नहीं कमाया उससे, मैंने जो शोज करे उससे कमाया, दैट्स इट। तो एज एन आर्टिस्ट कितने इनकम वो होती है, कहाँ कहाँ से कमाता है एक आर्टिस्ट? सी यूट्यूब से पैसे कमाता है, या स्पॉटिफाई से कमाते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, हाँ ठीक है, फिर शोज, देन देयर इज दिस ब्रांड डील्स वगैरह, ब्रांड डील्स, IPRS, PPRS क्या होती है वो? क्या जो रॉयल्टीज मिलती हैं वो सिंगर लिरिसिस्ट को मिलती हैं, फ्यूर लिरिसिस्ट्स को मिलती हैं एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, कंपोजर्स को, बट वो तो रॉयल्टीज आर मतलब वो स्पॉटिफाई की जो मिलती है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, अगर आपका गाना कहीं पे भी प्ले हो रहा है तो आप देखो कि कोई भी शादी में प्ले हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, दे हैव टू बाय अ लाइसेंस ना वहाँ बजाने के लिए, तो लाइसेंस का कुछ पार्ट जो होता है वो 25% या 25% लिरिसिस्ट को मिलता है, 25% कंपोजर को मिलता है। तो अगर मैं शादी में ऐसे गाना चला रहा हूँ आपका और कोई लाइसेंस नहीं है पास, तो आप केस कर सकते हो मेरे पे? मैं नहीं करूँगा, हाँ कर सकता हूँ, लेबल कर देगा, पर वो आप चला ही नहीं सकते, वो कोई भी डीजे कोई जाता है तो उनको शादी में चलाते रहते हैं, सबके लाइसेंस होते हैं, बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो यही लगता है नहीं कर सकते हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर इतना, पर हाँ बिना लाइसेंस के नहीं करते, डीजे थोड़ी कुछ करते होंगे तो सब बजाते होंगे, हाँ छोटे छोटे डीजे तो नहीं करते होंगे, मतलब बड़ा लाइक इफ समवन लाइक चेतस जाके प्ले कर रहा है तो चेतस वुड डू रॉयल्टी, मतलब प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ, बट जो सिटी सिटी में कर रहा है, हाँ उनको छोटे मोटे को तो पता भी नहीं लगता। ओके, तो वो रॉयल्टीज एक और होता है, बस यही चार पांच तरीके होते हैं, यही चार पांच तरीके हैं।
और सबसे ज्यादा पैसे किससे बनता है, स्ट्रीमिंग से कि शोज से? फॉर सिंगर मस्ट बी शोज, फॉर सिंगर इट्स शोज, प्रोड्यूसर के लिए इफ, अगर सिंगर के लिए इफ इफ सी दो, जो अभी मैंने एल्बम जो करी है, ईपी जो करी है, सो दैट इज आईपी इज विद मी, ओके, तो वो कुछ टाइम के लिए आई हैव लाइसेंस टू ऑनर, देन उसके बाद इट विल बी योर्स, माइन परसेंटेज शेयर मोस्टली विल बी माइन. तो सिंगर्स के लिए मोस्टली पर ज्यादा पैसा शोज से ही है. एंड शोज का कुछ भी लेबल को नहीं जाता, परसेंटेज की जाता है. अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो कुछ नहीं जाता. अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, लाइक आई वाज विद सोनी फॉर 3 इयर्स, तो तब मैं तो एवरीवन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड बाय देम सारा इन्वेस्ट वही करते थे. देन आल्सो शोज आल्सो दे वर मैनेजिंग मी 360, सो उस पे फिर देयर वाज परसेंटेज शेयर शोज पे भी. और यूजुअल कितना परसेंटेज शेयर होता है? डिपेंड्स, 20-30 के बीच में करता रहता है. जो न्यू है, जो न्यू है उनसे 50-50 भी हो जाता है, 60-40 भी हो जाता है. क्या बात कर रहा है, 60%? या बहुत चीजें होती हैं ऐसे. मतलब जो बिल्कुल ही न्यू है, जिनके पास कुछ नहीं है बट दे हैव टैलेंट, तो उनको सपोर्ट जो कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो 60% अपॉर्चुनिटी उठाना. और बाकी फिर लेबल 20%-30% जो बड़े हैं उनके साथ. या Interesting. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.